हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माइनी स्टोरीज फॉर यू। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लॉन्ग रन के लिए पैसा कमाएं, जैसे कि आज हमने कुछ इन्वेस्टमेंट या वर्क कर दिया ये थोड़ा, लेकिन अगर उसके बाद हमें लाइफ टाइम उससे मनी आता रहे तो इट्स वेरी अमेजिंग, राइट? तो बहुत लोग कहते हैं कि हम तो सॉफ्टवेयर डेवलपर भी नहीं हैं, हमें तो प्रोग्रामर भी नहीं हैं, तो हम कैसे अपनी वेबसाइट लें, कैसे डिज़ाइन करें, कैसे ख़रीदते हैं, क्या प्लेटफॉर्म होता है, किस तरह से जाना चाहिए, क्या चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, बट आई जस्ट एक्सप्लोर्ड एंड फाइंड आउट एंड डूइंग दिस ऑल। सो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन डिज़ाइन इट ऑल्सो, एंड कैसे आप उसको रेडी भी कर सकते हैं, कैसे आपको ख़रीदना है, उसके बाद क्या क्या चीज़ें लगती हैं, होस्टिंग वगैरह कैसे खरीदना है। आई विल शो यू एवरीथिंग ऑन माई लैपटॉप, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें ये पता होता है कि अगर हमें डोमेन रजिस्टर कर लिया तो फिर उसके बाद हम फिर बैठ जाते हैं कि होस्टिंग कैसे लेना है, या आगे का प्रोसेस क्या है, पेज डिज़ाइन कैसे करना है, क्या किसी को हायर करना ही पड़ेगा, SEO कैसे करना है, कैसे हम लोगों को मतलब ट्रैफिक उस पर जनरेट कर सकें, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक आप लोगों को अगर नहीं भी पता है, अगर आप स्टूडेंट्स भी हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी आप ये कर सकते हैं। आप डोमेन ख़रीदने के लिए एवरीवन इज़ रेडी। और मैंने देखा है कभी यंग किड्स को भी कि खुद का ब्लॉग है, खुद की वेबसाइट से क्रिएट कर रहे हैं और लाखों में कमा रहे हैं। अगर आपने देखिए क्या होता है, भले आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें या आप अपना यूट्यूब स्टार्ट करें या अपना वेबसाइट स्टार्ट करें, इन सब चीज़ों में ट्रैफिक कहाँ से आता है? एडसेंस के थ्रू, कि गूगल का एडसेंस के थ्रू वर्क होता है। और तो बेसिकली आपको गूगल के थ्रू एडसेंस या एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हो और उससे आपका ट्रैफिक जनरेट होता है, ठीक है? अब आपको कैसे ऐसा अकाउंट बनाना है कि कैसे एड जनरेट हो, या कैसे आपकी डोमेन रजिस्टर हो, होस्टिंग कैसे लेना है, कोई जब आपकी साइट पे जाए तो वो ऐसा ना आए कि दिस इज़ नॉट सिक्योर, उसकी सिक्योरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक A to Z मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी इस वीडियो में और एक्सप्लेन भी करूंगी। देखिए क्या होता है, जब आप अपना डोमेन ख़रीद लेते हैं, कैसे ख़रीदना है, क्या करना है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्लस मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगी कि किस तरह से आप पोस्ट डाल सकते हैं, किस तरह से आप कॉपीराइट फ्री कंटेंट भी डाल सकते हैं, किस तरह से आपको एडिटिंग करना है। आई विल टेल यू एवरीथिंग, कौन से टूल यूज़ करना है वो भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगी। तो देखिए, ये ऐसा है कि ये इसे आप कह सकते हो, ये पार्ट टाइम जॉब्स फॉर स्टूडेंट्स भी है, ये एक तरह का वर्क फ्रॉम होम जॉब है, इसमें आप ऑनलाइन मनी अर्न कर रहे हैं, आप इसे फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है, ठीक है? जैसे मेरा तो सेट चैनल है माइंड स्टोरीज फॉर यू, तो मैंने उसके लिए एक वेबसाइट ली कि मैं जस्ट उस पर अपडेट डालूंगी और उस पर कुछ पोस्ट डालती रहा करूंगी साइट्स के बारे में और लिस्टिंग कराती रहूंगी। हालांकि मैंने एक पहले डोमेन लिया था जिसे मैंने बहुत यूज़ नहीं करा था, वो एक्सपायर हो गया था, सो आई डिडंट यूज़ दैट मच, एंड काफ़ी साल पहले की बात है, व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड ऑल, बट राइट नाउ आई स्टार्टेड बैक। एंड जैसे मुझे PHP आता है, मुझे पाइथन आता है, मुझे वर्डप्रेस आता है, मुझे ड्रुपल आता है, जूमला आता है, तो मैं अपनी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके कर सकती हूँ डिज़ाइन। बट जिनको नहीं आता है उनके वो भी मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप डोमेन ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आपके मन में पहली बात तो ये आएगी कि हम कौन से साइट से परचेस करें। जैसे मैंने पहले जब लिया था वो GoDaddy का था, बट प्राइसिंग ज़्यादा थी, और अभी मैंने जो लिया है वो Namecheap.com का लिया है। तो मैं आपको वेबसाइट भी दिखा दूंगी किस तरह से करना है, आपको कंट्रोल पैनल भी कैसे एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ें हम पूरी सब चीज़ें देखेंगे। सो उससे पहले, हाय फ्रेंड्स, आई एम सोनम एंड वेलकम टू माइन स्टोरीज फॉर यू। आई मेक वीडियोस ऑन अर्न मनी ऑनलाइन, कि आप किस तरह से वर्क कर सकते हो होम से। एंड बीइंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वॉज लाइक प्लेस्ड इन महिंद्रा सत्यम बिफोर एंड आई वॉज सिलेक्टेड इन TCS CMC। सो अगर आपको सॉफ्टवेयर के कैंपस सिलेक्शंस के लेके, इंजीनियरिंग में टॉप करने से लेके, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फ्रीलांसिंग, ऐसे हम फ्रीलांसर ट्यूटर, मैंने Shake.com, Course Hero, TutorMe.com, PhotoStudy, बहुत सारी साइट्स पे वर्क करा है, एंड करेंटली आई एम वेदांतु पाइथन प्रोग्रामर। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, मैं बीच बीच में मोबाइल एप्लीकेशंस के वीडियोस भी डालती हूँ वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि मोस्टली कितनी बार होता है स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें बहुत अच्छे सब्जेक्ट्स नहीं है बट वी वॉन्ट टू अर्न, तो उनके लिए भी है। लेकिन ऐसा जरिया कमाई का होना चाहिए जो आपको आगे भी फ्रूटफुल रहे। इट्स नॉट लाइक कि आपने आज तो आपने वेबसाइट अगर डोमेन आप खरीदे भी तो आपका 1000, मतलब कम से कम 600-700 की, 500 की वेबसाइट भी आ गई, तो आप उसकी होस्टिंग वगैरह लेंगे तो ये हो गया कि 1500-1800 आपका जो भी खर्चा होगा, या
एक बार आपने जो इन्वेस्ट कर दिया ये आपने साल भर के लिए खरीद लिया, साल भर के बाद वो रिन्यू होगा, लेकिन अगर आपकी साइट हिट हो जाती है तो आप उसमें एडसेंस एनालिटिक का कोड लगा के आप उसे ट्रैक कर सकते हो, आप उस पर एड पब्लिश कर सकते हो और उसके थ्रू आप मंथली 5 लाख 6 लाख 7 लाख देर इज़ नो लिमिट आप इतना अर्न कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको अपने लैपटॉप पर ले जाकर सारी चीज़ें विजिट भी करवाऊँगी और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी। और बेसिकली मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसी वीडियो में मैं एक और टॉपिक कवर करने वाली हूँ, तो आप स्टे ट्यून्ड रहेगा कि ब्लॉग क्योंकि आप अपना ब्लॉग अगर आपको लगता है कि अभी हमारे पास इतना ट्रैफिक नहीं है तो आप अपने फ्री वेबसाइट ले लीजिए, जो फ्री बहुत सारे विक्स के थ्रू आप बना सकते हो, ब्लॉगर के थ्रू आप ब्लॉग स्पॉट बना सकते हो, वर्डप्रेस ब्लॉग बना सकते हो। आप पहले वो खरीद लीजिए, उसको कस्टमाइज करिए, उस पर पोस्ट डालिए, उसको थोड़ा सा प्रमोट करिए, अगर आपको लगता है वह ट्रैफिक है तो उसको फिर आप डोमेन को रजिस्टर करवा लीजिए या फिर से दूसरा ले लीजिए। सो इस तरह से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा एंड जरूरी नहीं होता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी बताना है, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वीडियो बना सकते हो, आप ब्यूटी केयर पे बना सकते हो, आप मेकअप एंड स्किन रूटीन बना सकते हो, आप रेसिपीज़ का वीडियो बना सकते हो, आप प्रोग्रामिंग के बना सकते हो, आप ट्यूटोरियल्स बना सकते हो, आप स्टैंडर्ड लाइक ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के स्कूल के जो आपको बनाना है, एक्स वाई जेड लाइफ के बारे में, मोटिवेशनल कोट्स के बारे में, SEO के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड टॉपिक है, तो आप इन सब पे वीडियो बना सकते हो। और पोस्ट अगर आपको ऐसा लगता है कि इनिशियली आप नहीं करते, आपको नहीं आता, तो कॉपी पेस्ट करके भी कैसे अर्न करना है वो भी मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इसको एंड तक देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। टोल्ड यू कि वेयर आई हैव सर्च, मैंने कहाँ से लिया था डोमेन। सो Namecheap.com से मैंने डोमेन परचेस करा था। आप GoDaddy से भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। एंड देखिए ये Namecheap है। सो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे .com वाले डोमेन 648 रुपीज़ के हैं, ये प्राइस है, एंड .net वाले 801 रुपीज़ के हैं, ठीक है। सो आपको रजिस्टर करना है कि ट्रांसफ़र करना है, सो आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू सर्च की सोनम, अब मैंने जैसे माइनी स्टोरी तो ऑलरेडी ख़रीद लिया है, अगर मुझे sonamsamani.com ख़रीदना है तो आप इस तरह से क्लिक करेंगे जो भी आपका डोमेन नेम है, ठीक है। तो ये अवेलेबल है, आई थिंक सो, ठीक है। तो ये वाला डोमेन आपको पड़ेगा 648 का। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको होस्टिंग लेनी पड़ती है, आप डोमेन तो ख़रीद लेते हैं, .net अगर आप लेंगे तो 801 का होगा। तो इस तरह से आप इसको ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड जैसे ही आप इसको ऐड टू कार्ट करेंगे तो व्यू आइटम में आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आपका इस साइट पर आप जैसे चेकआउट करते हो तो आप अपनी जो भी आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसका आप उसमें डिटेल्स डाल दीजिएगा और एक OTP जनरेट होगा और आपका फिर वो आप परचेस कर सकते हैं। दिस इज़ द वे, ठीक है। और फिर इससे मैंने Namecheap से ही मैंने ख़रीदी थी। फिर मुझे ये ख़रीदने के बाद मुझे पता चला था कि मुझे होस्टिंग भी लेनी पड़ेगी। सो मैंने वर्डप्रेस होस्टिंग वेब होस्टिंग का एक दूसरा प्लान लिया था, तो आपका वेब होस्टिंग का प्लान भी आपका उसमें क्रेडिटेड हो जाएगा। होस्टिंग का मतलब ये हो जाता है, देखिए आप देख सकते हो फॉर 1 ईयर रजिस्ट्रेशन ये है, अगर 2 ईयर का करेंगे तो आप उस हिसाब से प्लान है। अब इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इनिशियली आई विल सजेस्ट कि 1 ईयर का प्लान ही लो। और उसके बाद देखिए मैंने जब डोमेन ख़रीद लिया था तो मुझे पता नहीं था कि वो रिडायरेक्ट क्यों हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा है, तो मुझे नहीं पता था कि होस्टिंग भी लेनी पड़ती है तब आपको। तो जैसे ही आप होस्टिंग भी क्या पैकेज कोई सा लोगे, जैसे ये मेरा डोमेन है, तो Namecheap का आपको एक मेल आएगा जैसे ही आप होस्टिंग का परचेस कर लोगे, और आपको कुछ सी पैनल की लॉगिन्स मिलेंगी, ठीक है। सो जैसे सी पैनल का, वन सेकेंड, आपको एक लॉगिन मिलेगा, आई विल हाइड आउट। जैसे तो आपको इस तरह से नेम एंड पासवर्ड डालने पड़ेंगे उसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम पुटिंग सम, दिस इज़ माय Namecheap होस्टिंग, और इसमें आपका नेम, आपको पासवर्ड एक डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ये डाल के लॉगिन करेंगे ये आपको मिलेंगे ईमेल पे फर्स्ट टाइम का, फिर आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप सी पैनल पे लॉगिन करोगे तो ये आपका तरीका हो जाएगा। तो मेक श्योर आपको ये समझ में आए कि आप Namecheap से अपने डाटा खरीदा। और आपको ना इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप जैसे, वन सेकेंड, ये आपके कार्ट में आ गया, अब आप जब खरीदोगे तो ये इसका आ जाएगा, और अगर मुझे नहीं खरीदना तो आई विल रिमूव इट। आप चैट विथ लाइव पर्सन कर लीजिएगा ताकि आपको वो पूरा दिखा सके प्लान की क्या है, तो वो बहुत अच्छा तरीका होता है, एक बार पता चल जाता है क्या करना है। एंड होस्टिंग के प्लान्स आप अगर आपको नहीं खरीदना Namecheap से, होस्टिंग से ये होता है आपको जैसे आपको ये होस्टिंग मिल जाती है, जैसे आप www जो या आप पूरा डालते हैं एड्रेस वो मिल जाती है, और उसके बाद भी आपको उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है जो मैं बताने वाली हूँ, तो आप होस्टिंग के प्लान दूसरे भी चेक कर सकते हैं।
डोमेन खरीदने के बाद अगर आपने होस्टिंग नहीं ली तो आपकी साइट लाइव नहीं होगी, ठीक है। सो होस्टिंगर से भी आप खरीद सकते हो, नेमचीप से भी खरीद सकते हो। होस्टिंग प्लान अगर आप देखो तो बहुत सारी साइट्स के बहुत डिफरेंट प्लान्स हैं, आपको जो भी लगता है। 40% ऑफ अंदर क्लाउड होस्टिंग, इसमें ये साइट भी बहुत अच्छी है। बट मैंने इसलिए करा क्योंकि मुझे इसी पे चाहिए था कि नेमचीप के थ्रू ही आई कैन लाइक सारी चीज़ें इसी के थ्रू ली है। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी एक ही उससे लो, ताकि आपका एक ही जगह आपका सारा डिटेल्स रहे। ओके, अब इसमें आपको आपके डैशबोर्ड में आप इसे देख सकते हैं। देखिए इस ये आपको आई विल सजेस्ट कि एक ही साइट से आप होस्टिंग भी लीजिए, एक ही साइट से आप प्लान भी उसी का परचेस खरीदिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा। देखिए जैसे अगर मैं माइंड स्टोरीज फॉर यू डॉट इन लूँगी तो मुझे 32% ऑफ है, और ये 4.88 पर ईयर का मुझे मिलेगा। सो मेरा ऑलरेडी माइंड स्टोरीज फॉर यू डॉट कॉम मैंने ले लिया है, इसमें डोमेन लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, एप सारी आप होस्टिंग लेने के बाद आपको ये लॉगिन्स मिल जाते हैं जो कि मेल के थ्रू आ जाएंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि जैसे ही मैंने ये साइट खरीदी तो यह ना पहले यहाँ पे आता था एरर कि ये साइट सेफ नहीं है जाने के लिए। तो उसके लिए क्या करोगे, जैसे ही आपको सी पैनल का लॉगिन मिल जाएगा ना, तो सी पैनल के लॉगिन के बाद आपको आना है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे, SSL TLS, ठीक है, इस वाले में। और इसमें आपको सारे सर्टिफिकेट्स जो हैं इनको जनरेट एंड प्रीव्यू करना पड़ेगा। तो सब ऑलरेडी साइट के साथ ही आपको मिले हैं प्लान्स, तो आपको सिर्फ जनरेट करके इसको अपलोड मतलब अपडेट करना होगा, ठीक है। सो ये आप अपडेट कर लेंगे तो आपकी साइट में ही आ जाएगा कि जब भी आपकी साइट कोई चेक करे तो ये सिक्योर आए कि हाँ ये सिक्योर अच्छी साइट है, कनेक्शन इज सिक्योर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ये आप जैसे देख सकते हैं सी पैनल कॉन्फ़िगरेशन, इससे आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो अपनी। अगर आपको वर्डप्रेस अच्छे से आता है तो आप वर्डप्रेस को ओपन कर लीजिए दूसरी लिंक में। अगर आपको लगता है PHP पीयर पैकेज या PHP वर्जन पे काम करना चाहते हैं, या पाइथन ऐप क्रिएट करना चाहते हैं, या आपको जो भी करना हो तो आप इस तरह से ले सकते हैं। एंड सबसे सिंपल तरीका, अगर आपको नहीं आता है कुछ भी, तो सबसे ईजी वे है सिंपल सी पैनल में ये वेबसाइट बिल्डर आपको मिलता है। सिंपल इसको ओपन करो एंड आप देख सकते हो कि आपको सारे पेज एज इट इज़ बने बने मिल जाएंगे। आपको सिर्फ इस तरह से इस पे एड आइटम करके अपना आइटम, जैसे आप इस पे एडिट क्लिक करोगे ना, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि ये न्यू आइटम आप ऐड कर सकते हो। अबाउट अस का पेज, यूट्यूब का पेज, इंस्टाग्राम का पेज, कॉन्टैक्ट पेज, जो भी आपको चाहिए। और आप टेक्स्ट लगाना हो तो टेक्स्ट लगा सकते हो, गैलरी, आपको मीडिया फाइल्स लगानी है, आपको मैप्स, बटन, सोशल मीडिया का भी कुछ लगाना हो तो सब फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। ब्लॉग्स लगाने हो तो सिंपल ब्लॉग सेलेक्ट करके इस ये जैसे मैंने ये लगाया है ब्लॉग का, तो इससे ये ब्लॉग में कभी भी पोस्ट कर सकते हो। यहाँ से ये एडिट हो जाता है, अगर आपको ये रिमूव करना है तो यहाँ रिमूव कर सकते हैं, और अगर एडिट करना है तो सिंपली इस पर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब देखिए ये कितना इजी ऑप्शन है, राइट। और आप पेज पे अगर आपको यूट्यूब के वीडियोस लगाने हैं, जैसे कि मैंने इस पे लगाए हैं, जैसे मैंने इस पे लगाए हैं यूट्यूब वाले पेज पे, तो इस पे आप बस मीडिया ऐड करिए, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए मीडिया ऐड करिए और जो यूट्यूब क्लिक करिए, जो भी वीडियो लेना है, और यहाँ पर आपने वीडियो के आईडी डाल दीजिए। सो बस इससे ये नया वीडियो आपका ऐड हो जाएगा। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ पब्लिश डायरेक्टली। अगर मैंने अपना यूट्यूब खोला है तो मैं इसमें आई विल पुट माई वीडियो ओनली। ओके, जैसे मैंने सॉल्व लेंसर का एक वीडियो ओपन करा, ठीक है। सो आई विल कॉपी दिस लिंक, ओके, और इसको लिंक को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी ऐसी एज इट इज़, ठीक है। तो ये वीडियो यहाँ आ गया, और अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगी। तो यहाँ से पब्लिश करना मतलब वो साइट ऐसे सेव दिखेगी, और अब आप लाइव वाली साइट पे देख सकते हो वीडियो वहाँ आ जाएगा। ये देखिए सॉल्व लेंसर अल्टरनेटिव डाउट, ये आपका यहाँ आ गया है, ठीक है। सॉल्व करो डाउट्स और पैसा कमाओ, 100,000 पर वीक, पेमेंट प्रूफ, ठीक है। सो इस तरह से वर्क करती हैं। ये आपका साइट के लिंक है, यहाँ ब्लॉग्स हैं, आपके ब्लॉग भी हैं। और अगर आप चाहते हैं कि एक सेपरेट ब्लॉग का पेज हो तो आप सेपरेट ब्लॉग्स का पेज बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको सेपरेट करना हो, सो एक वो भी तरीका बहुत अच्छा होता है। तो इसमें आप सब तरह से कर सकते हैं। उसके बाद फाइल मैनेजर होता है आपका, आपको कोई फाइल, जैसे आपको रोबोट के लिए एक फाइल अपलोड करनी होती है कितनी बारी, ये साइट मैप डॉट XML, ताकि आपका रीड कर सके साइट की सारी लिंक। ऑनलाइन बहुत सारे साइट मैप जनरेटर होते हैं जो सिंपली आपकी साइट जनरेट कर देते हैं। आई विल शो यू,
और उसको आप साइट पर अपलोड कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जहाँ तक मुझे पता है इस साइट पर ऑलरेडी ये सब चीज़ें आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कि ऑलरेडी ये सब चीज़ें रहती हैं। जैसे इस तरह का एक साइट मैप आपका क्रिएट हो जाएगा, जिसमें आपके पेज की जितनी भी लिंक्स हैं वो मैंशनड हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि आपको पता चल सके आखिरी क्रॉल कब हुआ था और कब इस साइट को आपकी विजिट किया था, क्या था। सो दिस आर द थिंग्स, इससे आप अपना खुद का वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। और आपको कुछ भी डाउट आता है ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वेबसाइट डेवलपर में मोस्टली सारे ऑप्शन हैं, लेआउट कैसा चाहिए आपको अपनी साइट का, आप यहाँ से लेआउट सिलेक्ट कर लो कि आपको साइट किस तरह की चाहिए, ठीक है। आपको फिर टेक्स्ट कहाँ ऐड करना है, कॉलम्स ये पेज टाइटल, पेज जो भी हेडिंग जैसी भी चाहिए। उसके बाद आपको कोई पिक्चर ऐड करना हो, गैलरी में आपको कुछ ऐड करना हो, आपको मैप्स लगाना हो, शेप लगाना हो, आपको बटन लगाने तो बटन से लग जाएंगे, कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाने हैं तो फॉर्म्स के सब तरह के टाइप है, मतलब ये पूरा इनबिल्ड है। इसमें आपको सिर्फ रिडायरेक्ट करना पड़ेगा अपने ईमेल पे, जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप ईमेल का ऑप्शन देखेंगे, वन सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे ना आपको ये ईमेल अपने सेटअप करने पड़ेंगे कि आपको कहाँ रिडायरेक्ट चाहिए, फॉरवर्ड कहाँ चाहिए, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। तो वेबसाइट कोई भी डेवलप कर सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट वो नहीं है कि रॉकेट साइंस है। आपको ब्लॉग्स के वे चाहिए, आपको कॉमर्स, अगर आप शॉपिफाई या बाइंग सेलिंग करते हैं तो आप देख सकते हैं। और अगर आपको एसईओ करना है तो आप यहाँ पे इस आपके पास एसईओ का ऑप्शन आता है, बैकग्राउंड चेंज का आता है, स्टाइल, फेविकॉइन। और सबसे बड़ी बात, अगर आप सोचते हैं कि हेड में मेटा इन्फॉर्मेशन कैसे ऐड करेंगे, तो इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन के लिए यह एरिया है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब ये होता है आपका गूगल एडसेंस या एनालिटिक का कोड लगाना, जिसके थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हो। गूगल एडसेंस मतलब आपके उसमें ऐड शो होंगे, और एनालिटिक्स मतलब आप ट्रैक कर रहे हो कि आपकी साइट पे कौन विजिट कर रहा है, कहाँ से विजिट है, डेमोग्राफिक लोकेशंस चेक करना हो तो आप ये स्क्रिप्ट। और ये कॉमन फॉर ऑल पेज, सब पेज के लिए हो जाएगा, और अगर सिंगल लगाना हो तो सब पेज का ये है। रोबोट डॉट टेक्स्ट फाइल है, कुकी पॉलिसी, मतलब सब चीज़ें आपको ऑलरेडी इसमें बनी बनाई मिल जाएंगी। और आप प्रीव्यू कर करके देख सकते हैं कि अगर ये मैंने ऑप्शन ऐड करा तो इसके बाद साइट कैसी दिखेगी, वो वाला करा डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी, टैबलेट पे कैसे दिखेगी, फ़ोन पे कैसे दिखेगी, इस तरह के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर लेंगे, सब क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब आया कंटेंट की बारी। कंटेंट आपने डाल दिया और अब आपको लगता है कि हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है, तो मैं आपको एक फोर सैम्पल आपको दिखा देती हूँ कि आप किस तरह से बिना मेहनत के कॉपी पेस्ट के भी ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताऊंगी कि blogger.com पर अकाउंट बना लो अपना। तो blogger.com पे ब्लॉग सपोर्ट, जैसे मेरा ये है माइंड स्टोरीज फॉर यू, ये मैंने वन सेकेंड, ये साइट है mindstoriesforyou.blogspot.com, ठीक है। तो जैसे ऐसे आप ब्लॉग कर लेंगे, क्रिएट योर ब्लॉग, और इस तरह से आप हेडिंग डाल देंगे कुछ भी, कि दिस चैनल विल हेल्प यू गेट इन जॉब एंड ऑल, और उसके बाद अपने वीडियो और जो भी आपको डालना है, आरएसएस बटन, फीड, जो भी आप शेयर करने के, जो भी डालना चाहते हैं, या विकिपीडिया ट्रांसलेट के बटन, ये आप सब कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब ये तो मैंने इसमें वीडियो पोस्ट कर दिया डायरेक्ट, लेकिन अगर मुझे चाहिए, जैसे इस तरह से मुझे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे मुझे आर्टिकल लिखना है या कुछ करना है, तो ये आप किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्टार्ट करते हैं एक, ओके, मेरी साइट पे ही दिखाती हूँ आपको। ऑलराइट, हम एक काम करते हैं, फॉर फिलहाल के लिए हम इसमें एक ऑप्शन नया ऐड कर लेते हैं, ब्लॉग, और हम उसे बाद में डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो ये न्यू आइटम मैंने ऐड कर दिया, न्यू पेज का, और उसका नाम दे दिया मैंने ब्लॉग्स, ठीक है। और इसका ये पेज एज इट इज़ होम जैसा कॉपी कर देती हूँ मैं, लेआउट है ना, और क्लियर कर देती हूँ बॉडी कॉन्टेंट। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया, ठीक है, अभी मेरा पेज बन गया है। अब मैं इसको कर दूँगी अप्लाई, कर दिया। अब है ना, एक साइट होती है plr.com, यहाँ पे आपको सारे फ्री आर्टिकल्स मिल जाएंगे, फ्री आर्टिकल्स पूरे इसी पे हैं, तो आप यहाँ से कोई सा भी फ्री आर्टिकल ले सकते हो। जैसे कोई सा भी फ्री आर्टिकल आपने यहाँ से लिया, ठीक है, जैसे ब्लॉग, बिंगो वेबसाइट्स, ऑलिव ऑयल्स, इसमें सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आपको जो टॉपिक चाहिए आप वो टॉपिक लीजिए और आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं ग्रेट प्रॉफिट पोटेंशियल कम्स विद ग्रेट रिस्क। अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, एक तो translate.com, अगर आप हिंदी में कोई डॉक्यूमेंट अगर इंग्लिश से हिंदी में करके आप आर्टिकल डालना चाहते हो तो यहाँ से कॉपी कर सकते हो, आप उसको ट्रांसलेट करके अपनी लैंग्वेज में चेक कर लीजिए एक बार पढ़ के। और अगर आपको इंग्लिश की इंग्लिश में घुमाना है तो एक टूल होता है फ्री आर्टिकल स्पिनर, तो आप जैसे ही इसमें, आई शो यू, कि इसको पूरा अगर आप एज इट इज कॉपी करके
यहाँ पर स्पिन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने पेस्ट करा और आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड जो चाहते हो आप स्पिन ना हो, जैसे कि अन मनी ना हो स्पिन, या ग्रेट, वो जो रिस्क वाले वर्ड्स थे ग्रेटर और रिस्क एक्सेट्रा, ये सब ना चेंज हो, तो आप उसको एज इट इज़ यहाँ पे बस इसको आई एम नॉट ए रोबोट सिलेक्ट कर लीजिए। और कोई सा भी आर्टिकल आप स्पिन कर सकते हो, या फिर आप आंसर वगैरह भी देते हो किसी साइड पे, तो कितनी बारी अगर आपको ऐसा लगता है कि डाटा थोड़ा सा चेंज करना है ताकि प्लेगरिज्म में ना आए, तो आप उसको स्पिन कर दीजिए। ये स्पिन कर देगा तो ये आपका कंटेंट कॉपीराइट में कभी भी नहीं आएगा, और आपका वो दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो फिर लैंग्वेज में तो आप इससे ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वो चेंज होके वो कभी उसमें नहीं आएगा। और बस आप इसको एज इट इज़ कॉपी कर लो और थोड़ा सा रीड आउट कर लो कि सही है कि नहीं है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है, मतलब कोई वर्ड का मीनिंग कुछ टर्न करने में ऐसा तो नहीं है कुछ चेंज हो गया, और बस आप इसको अपना जो एक न्यू पेज क्रिएट करा है उसमें चेंज कर दो। तो आप इसको इसको चेंज कर दोगे ना, तो इससे आप पूरा लेआउट चेंज हो जाएगा। ओके, और अब जैसे हमने नया जो ब्लॉक सेक्शन लिया है इसको तो हम ड्राफ्ट में सेव कर देते हैं, और अब हम ब्लॉक वाला सेक्शन ऑन कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो हमने ब्लॉक सेक्शन नया ऑन करा है, मैंने इसमें कुछ डाला नहीं है, पहले तो मैं ये सब रिमूव कर दूंगी, इसको ब्लॉक वाला पेज है मेरा, ठीक है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो मैं ये सब रिमूव कर दूंगी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर मैं डालूंगी यहाँ से ब्लॉग, ये मैंने इस पे ब्लॉग का सेक्शन पटक दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करके न्यू ब्लॉग पोस्ट मुझे करना है, अगर आप चाहते हो तो इनमें से किसी भी पुरानी पोस्ट को भी एडिट कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल इस वाले को मेरे को एडिट करना है, तो बस मैं सिंपली इसका वो इसकी बॉडी में ये वाला डाल दिया पूरा, ठीक है। एंड अब इसको अरेंज कर लीजिए, और है ना मेक श्योर आप लिंक्स भी दो, और अब मुझे इसका टाइटल भी थोड़ा सा घुमा लूँगी ताकि एकदम से सेम चीज़ ना आए। तो ये ब्लॉगिंग के तरीके भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल कॉपी पेस्ट से आप डाल सकते हो, और काफ़ी देखो ओरिजिनल राइटर्स की तो बात ही अलग है, वो तो बहुत अच्छा कमाते हैं, लेकिन अगर आपके पास अभी इनिशियली कुछ नहीं है टॉपिक और आप करना चाहते हो, तो आप इस तरह की चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई विल नोट से कि देखो अपने फ्यूचर के साथ आप खिलवाड़ मत करो, आप ये हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपका खुद का हार्डवर्क और खुद का नॉलेज है तो वो हमेशा काम आएगा, तो उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा वर्क करो, हार्डवर्क हमेशा पे ऑफ होता है। शॉर्टकट थोड़े टाइम के लिए अच्छे होते हैं, पर लॉन्ग टाइम के लिए क्रिएटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इस तरह से डाल दिया, मैंने इसके टॉपिक भी सिलेक्ट कर दिए, ठीक है, तो ये वाला मेरा कॉपीराइट कंटेंट में नहीं आएगा। अब मुझे थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी कि मैं इसका थोड़ा सा हेडिंग और ये सब क्लियर कर दूं, तो आप इसको हेडिंग ऐसे क्लियर कर सकते हो, और जहाँ चाहते हो कि इसकी लिंक जाए तो आप इस तरह से एक लिंक दे सकते हो। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल पर इसकी लिंक जाए कि मेरे यूट्यूब चैनल पर तक पहुँचे, तो मैं ये उस पर वहाँ पर रिडायरेक्ट कर दूँगी, ठीक है, ओपन इन न्यू टैब, तो कोई भी इस लिंक पे क्लिक करेगा तो इस तरह से वो उधर चला जाएगा। तो बस इस तरह से आप लिंक ऐड कर दो, थोड़ा सा अरेंज कर दो ताकि पढ़ने वाले को थोड़ा ठीक लगे, एक बार खुद पढ़ के भी देखो कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है, या कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो पढ़ने में नहीं आ रहा है वर्ड, तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मशीन्स के थ्रू हम करते हैं ना, ये आगे जाके मतलब थोड़ा सा हमें क्लियर करना ही पड़ता है। तो हम ये कर सकते हैं इस तरह से, जैसे मैंने इसको अरेंज करा, मैं आपके सामने पोस्ट करके भी दिखाती हूँ ताकि आप इस तरह से स्टार्ट कर सकें, और आपको ये ना लगे कि मैंने पूरा ब्लॉगिंग का तरीका नहीं दिखाया। ये तो मैंने मेरी साइट पे करा है ब्लॉग, लेकिन आप जब blogger.com पे भी करोगे तो उस पर भी ऐसा ही एडिटर होता है, उस पर भी आप इसी तरह से पोस्ट कर सकते हो, तो आप उसी तरह से पोस्ट करना हेडिंग डाल के क्रिएटिवली। और बस मैंने ये कर दिया है, इसको मैं अब ड्राफ्ट को सेव कर दूंगी और मैं इसको कर दूंगी पब्लिश, ठीक है। ये मेरा हो गया है पब्लिश, अब मैं आती हूँ मेरी साइट पे और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने इसको कर दिया है पब्लिश, और अभी हम आए हमारे मेरी साइट के ब्लॉक सेक्शन में। तो इसमें ब्लॉक सेक्शन में ये जो हमने आर्टिकल अभी लिखा था ग्रेट बेनिफिट लाइकली अकॉर्डिंग, ये पूरा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हो बैकग्राउंड में बहुत गड़बड़ है, लाइटिंग कलर बहुत डिफरेंट है, तो अब आप उसको थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, तो दिस वे इट विल वर्क, ठीक है। आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आपको बैकग्राउंड अगर हटाना है तो सिंपल आप इसका इस यहाँ पर सिलेक्ट करोगे इसको, ठीक है, और इसका आप है ना यहाँ से बैकग्राउंड पिक्चर से आपकी आप टेक्स्ट का मतलब पूरा सिलेक्ट करके टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो, अगर आपको चाहिए कि टेक्स्ट का कलर डार्क हो या लाइट हो या जो भी कलर है, आप इस तरह से कर सकते हैं बैकग्राउंड और अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका वो कलर वहाँ हो जाएगा। अभी हमने जैसे वाइट कर दिया है, सो आई शुड चेंज इट टू
कंप्लीट डार्क ब्लैक, अदरवाइज इट विल बी नॉट विजिबल, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। आप यहाँ से एक इसका बैकग्राउंड के साथ वो भी चेंज कर सकते हो इमेज, जैसे कि इसमें ये इमेज इस तरह से दिख रही है, ठीक है, जो हमने ये इमेज है वो चूज़ करते टाइम दिखती है, तो आप यहाँ पे इसे हटाकर फिर से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और आपको पब्लिश करना हर चेंजेस के बाद ज़रूरी है, तभी वो यहाँ पर विजिबल होगा चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो। और अगर आप ब्लॉगर डॉट कॉम पर करोगे डायरेक्ट नया ब्लॉग स्टार्ट करके, तो आपको यहाँ पे क्लिक क्रिएटिव ब्लॉग करना है, और आप एक किसी है, और उसके बाद बस आपको थीम्स चूज करनी पड़ेगी। आप देखिए आपके ब्लॉग का टाइटल चूज करना पड़ेगा, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सोनम सोमानी ब्लॉग करा, तो ठीक है, अब मेरा एड्रेस इस वाले का मैं कर सकती हूँ, सोनम सोमानी डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ठीक है। और डिस्प्ले नेम आएगा ठीक है, तो इस तरह से आपका एक ब्लॉग जनरेट हो जाएगा। मैंने ब्लॉगिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप इससे बहुत मनी अर्न, अब बस इस तरह से आप ये न्यू पोस्ट कर देंगे, और यहाँ पर भी आप बस न्यू पोस्ट में आपको वो भी दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ से आप थीम चेंज कर सकते हो, अर्निंग वाले में यहाँ आप एडसेंस ऐड कर सकते हो। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी पहले तो आप वेबसाइट मत खरीदो, पहले ब्लॉगर डॉट कॉम पर फ्री टूल यूज़ करो, और उसके बाद फिर आपको जब लगता है कि हाँ मेरे पे विजिटर्स आ रहे हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है, यहाँ पे एनालिटिक्स वगैरह आप देखने के बाद तब आप ऐड कर दो। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि अगर ये साइट्स बनाने के बाद आप कैसे मनी अर्न करोगे। देखिए आप एफिलिएट जो भी लिंक्स हैं, जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे बहुत सारी एफिलिएट लिंक डाल रखी हैं, और मैंने सर्वे साइट्स के बारे में बताया कि काफ़ी मन है, तो मैं देखो रियल मनी भी दिखाती हूँ पेमेंट प्रूफ के साथ आपको, कि इसमें जैसे मेरे कन्वर्शंस जैसे इस महीने के 3 हैं, और मेरे लास्ट 6 मंथ में अगर मैं देखी जाए तो कन्वर्शंस जो हैं, तो ये सर्वे साइट्स आपको काफ़ी मनी अर्न करती हैं पर सर्वे साइट, लाइक पैनल स्टेशन का, तोल्यूना डॉट कॉम का, वैल्यूड ओपिनियंस का, इन तीनों साइट्स की मैंने लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप इन पे क्लिक करके सर्वे लीजिए और काफ़ी मनी अर्न कर पाओगे। जैसे आप देख सकते हो वैल्यूड ओपिनियन पे भी एफिलिएट प्रोग्राम चलता है, आप रेफर और अर्न कर सकते हो, जितना आप शेयर करोगे उतना आपका यहाँ पे एफिलिएट लिंक मतलब एफिलिएट का मनी मिलता जाएगा आपको। कंपनी वाले आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, और वो आपको एफिलिएट का जितना भी परसेंटेज आपका बनेगा वो देते जाएंगे, और हर साइट पर एफिलिएट का प्रोग्राम अलग ही चलता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसके थ्रू भी अर्न करिए, ठीक है, ये पार्टनर विथ अस इस टाइप से। तो मैं ऑप्टीमीडिया के साथ पार्टनर हूँ, और वहाँ पर देख सकते हो आप मेरा जितने भी कन्वर्शंस हैं उसका, मेरा अभी जैसे अभी 3000 कुछ बन रहा है मनी का, तो ये है। और कन्वर्श तोल्यूना पे भी मैंने अभी पॉइंट आउट अपने पहले के चेकआउट कराए हैं, और अभी फिर से मेरे इट इज़ लाइक 15,100 पॉइंट्स अभी भी हैं, जिसे मैं रिवॉर्ड्स में कैश आउट करा सकती हूँ, और इसमें भी एफिलिएट के प्रोग्राम्स चलते हैं रेफर अंडर। तो आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं मनी अर्न करने का, और वेबसाइट, और इससे आप में लिंक पोस्ट करिए, और जब ट्रैफिक आपकी साइट से होते हुए जाएगा या आपके ब्लॉग के होते हुए जाएगा, तो आपका उसका रेफरेंस में आपको मनी मिलेगा। जैसे मैंने ये साइट्स पे अपनी फीड कर रखी है, तो इन लिंक के थ्रू जो भी इस साइट पे जाएगा मेरी रेफरल लिंक है, तो उसके मेरे जो पर उसके कुछ पैसे अकाउंट होंगे, देखिए इस तरह से। तो ये आगे की बात है, ये मैं आपको आगे जाके ज़रूर हेल्प करूँगी, बट डेफिनेटली आप ये ज़रूर ट्राई करिए, एंड अपना वेबसाइट बनाइए। कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे पूछिए, ब्लॉग पब्लिश करिए डेली साइट पे, और अगर आपको वर्डप्रेस पे अच्छे, तो वर्डप्रेस पे भी इन साइट्स का ये फ़ायदा है कि इस पे सारे ऑप्शंस आपको ऐसे मिल जाएंगे, आप एडिट कर सकते हो, वर्क कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं मनी अर्न करने के लिए, और आप इस माइंड स्टोरीज फॉर यू डॉट कॉम ब्लॉग स्पॉट को फॉर रेफरेंस देख सकते हो कि इसमें किस तरह से पोस्ट करा है, किस तरह से बटन लगाए हैं, क्या लगाए हैं, और कैसा ट्रैफिक जनरेट होता है, तो ये आप देख सकते हो। और ये मेरी वेबसाइट है माइंड स्टोरीज फॉर यू डॉट कॉम, तो ये भी आप देख सकते हो, और आप एडिट कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू।